नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका फैंसी बाजार गुवाहाटी मंडी में। तो आज वापस फैंसी बाजार में हैं और आम की वैसे भी बड़ी अच्छी धूम चल रही है, तो वापस आम का भाव आपको देने के लिए आए हैं। आम का भाव बताएंगे आपको, कौन सा आम आया हुआ ये भी दिखाएंगे, किस किस तरह की वैरायटी आम की आई है वो भी जरूर दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो क्वालिटी यहाँ आई है वो आपको दिखा देते हैं। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। किसी भाई को भाव की जरूरत हो, किसान भाई को, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए सबसे पहले आपको आम दिखा देते हैं। ये आम आया हुआ है, सबसे पहले ये दिखाते हैं आपको, सारे आम आपको नज़दीक से दिखा देते हैं, क्वालिटी कौन कौन सी आई है, उसके बाद में आपको इसका भाव बताएंगे। तो पहले आप क्वालिटी देख लीजिए, उसके बाद में आपको देंगे इसका भाव। ये बहुत सारी की वैरायटी आई है, जैसे मैंने आपको बोला आम में धूम चल रही है, मतलब अच्छा खासा आम आ रहा है और बिक्री हो रहा है। ये सारे आम हैं अलग अलग तरह के, ये पूरा येल्लोनेस आम है, बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन अब सुंदर तो दिखाई दे रहा है, इसका भाव क्या चलेगा ये तो यही बताएंगे। तो ये सारे आम आपको दिखाई दिए हैं, दिखाने के बाद में आप इसको भाव बताते हैं। ये सारे चार पांच क्वालिटी के आम हैं, तो इन सब के भाव दिखाते हैं। नमस्कार भैया, क्या हाल है सर, कैसी चल रही है बिक्री? बाजार तो थोड़ा मंदा है। मंदा है, मतलब बारिश की वजह से मंदा है कि वैसे? नहीं, आमदनी बहुत ज्यादा है। वो आमदनी ज्यादा है, मतलब आमदनी ज्यादा होने की वजह से पूरी बिक्री डाउन होगी। तो बिक्री डाउन के साथ में रेट भी डाउन हुआ है या बिक्री डाउन? रेट पे बहुत असर पड़ा है। रेट भी डाउन हुआ है, ओ तो मतलब बिक्री भी डाउन और रेट भी डाउन। तो अभी कौन सा आम क्या भाव बेच रहे हैं? जैसे ये वाला, ये वाला क्या आम है जिसको बिक्रा चाहिए था 1300-1400 रुपए बिक रहा है? ये कौन सा आम है, नाम? ये लंगड़ा, लंगड़ा आम। लंगड़ा आम इतना डाउन हो गया? बहुत डाउन है। ओ तो ये वाला आम क्या भाव बेच रहे हैं? हिमसागर है। ये हिमसागर, ये क्या भाव बिक रहा है? 700 रुपए। 700 रुपया, तो ये भी पहले से डाउन में ही है? बहुत डाउन है। तो पहले ये जैसे 900 रुपया, 900 रुपया पहले था, अभी इतना डाउन हो गया। ये वाला आम कौन सा है? ये भी सेमी है, सेम हिमसागर ही है। ये वाला, ये है आपको बेबी बोलते हैं इसको, बेबी बैंगन फूली, बैंगन फूली। ये क्या भाव बिक रहा है? ये 1100-1100। ये वाला, ये भी यही है, यही है। तो मतलब आगे क्या कुछ तेजी आने के कुछ चांस है कि नहीं है? बहुत कम चांस है, आमदनी बहुत ज्यादा है। तो जब तक आमदनी ज्यादा रहेगी जब तक तेजी आने के कोई चांस नहीं रहेगा। इस बार थोड़ा सा मतलब मीडिया के लिए परेशान किया गया। हाँ हाँ, उन लोगों की वजह से थोड़ा सा। तो अभी ये जो मालदा वालदा, मतलब बंगाल का आम आना चालू हुआ कि नहीं हुआ? अभी तो मालदा ही आ रहा है, ये बंगाल का ही है, वो मतलब बंगाल का चालू हो चुका है। लेकिन रेटों के अंदर अप डाउन ज्यादा चल रहा है, मतलब पूरे डाउनफॉल के अंदर ज्यादा है, आपके अंदर कुछ भी नहीं है। तो आगे अगर आमदनी कम होती तो रेट बढ़ेगा, नहीं तो कोई चांस नहीं है। आमदनी कम होने का चांस कम है देखते, लेकिन उम्मीद तो है कम है। ओ, जैसे ये लखना वखना करके बंगाल के आम आते हैं, थोड़ा टाइम है, वो टाइम है क्या उसका? 1 वीक लगेगा, 1 वीक के करीब। वो भी चलता है यहाँ पे, तो मतलब अभी अपन मान के चले तो जो अपन भाव दे रहे हैं वो डाउन के अंदर ही है, आपके अंदर नहीं है। चलो धन्यवाद भाई भाव देने के लिए। तो मतलब अभी आम का भाव थोड़ा डाउन के अंदर चल रहा है, क्योंकि आमदनी ज़्यादा है, मतलब माल ज़्यादा है। तो आपको ये आज का भाव तो यही दिया है और आगे भी आपको देते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और किसी भाई को भाव की जरूरत हो तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले भाव के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।